हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास विथ बेस्ट इंग्लिश स्कूल एंड विथ मी योर इंग्लिश टीचर हवीशा पटेल. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी वुड लाइक टू स्टार्ट आवर सेमेस्टर टू पार्ट. स्टूडेंट्स, सो इन द सेमेस्टर टू पार्ट वी विल स्टार्ट द चैप्टर 7. सो द लेफ्ट ओवर द चैप्टर्स वी विल कंप्लीट इट, ओके, वन बाय वन. सो टुडे इन दिस वीडियो वी वुड लाइक टू स्टार्ट चैप्टर 7 बिकॉज अप टू चैप्टर 6 वी हैव कंप्लीटेड. सो राइट नाउ लेट्स बिगन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो लेट्स सी आवर चैप्टर 7 इज ऑल अबाउट द इन्वेंशन ऑफ विंटा वूंक. द इन्वेंशन ऑफ विंटा वूंक, विंटा वूंक. सो लेट्स सी, दिस वन इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो विदाउट wasting time, let's begin. The invention of Vita Wunk. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. But Wonka White is too strong, so some people disappear because their age becomes minus. One person actually becomes minus 87, which means he's got to wait 87 years before he can come back. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. So students, there was a person whose name is Willy Wonka. सो विली वुंका ने एक इन्वेंशन किया था वुंका वीटा को, वुंका वाइट को यू कैन प्रोनाउंस, जिसमें विच मेक्स पीपल यंगर, उनको यंग बना देते, और जो वुंका वीटा है वो उसे स्ट्रॉन्ग भी बना देता है. सो इससे क्या होता है कि बहुत सारे पीपल गायब हो गए, डिसअपियर मतलब गायब हो गए, क्योंकि उनकी एज जब तक माइनस नहीं होगी तब तक वो किसी के सामने आ नहीं सकते, राइट. बिकॉज एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि एक पर्सन को, वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87 ईयर्स, मतलब जो पर्सन था उनको 87 ईयर्स माइनस कर दिया, वो इतना यंग हो गया. ठीक है, मतलब सोच लो कि बहुत ओल्ड एज है उनकी, तो उनको वो पी के वो इतने माइनस में चले गए, पीछे चले गए, यंग हो गए एकदम. तो ऑब्वियसली उनको वेट करना पड़ेगा 87 ईयर्स तक कि वो एक्चुअली में जितने थे उतने का फिर वो हो जाएंगे, तो राइट. तो एक्चुअली ये एक तरफ से देखें तो बहुत डिजास्टर इन्वेंशन है, राइट. दैट इज़ नॉट सो गुड इन्वेंशन. सो मिस्टर विली वुंका को एक न्यू चीज़ इन्वेंट करना था. तो लेट्स सी कि उन्होंने क्या न्यू चीज़ इन्वेंट किया. So Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. Once again I squeezed my brain searching for the new recipe. I had to create age to make people old, old, older, oldest. Ha ha. I cried, for now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? Which what lives longer than anything else? So Mr. Wonka said कि एक और बार, once more time, उन्होंने अपने sleeves, जो हमने टी शर्ट पहनते या शर्ट पहनते हैं उसके sleeves उन्होंने roll up कर दिए और वो काम पे लग गए, और फिर से उनकी brain, उनके दिमाग को एकदम तेज़ी से दौड़ाने लगे और new recipes करने लगे, जिसमें वो recipe पी के वो old, older और oldest हो जाए, मतलब वो बूढ़े हो जाए, ऐसी कोई recipe उन्होंने start की बनाने को. क्योंकि यंग तो बन सकते हैं, राइट. तो जो यंग बन सकते तो उनको ओल्ड बनना हो तो वो भी तो एक रेसिपी चाहिएगी ना. तो इसलिए वो बोलते हैं कि अब वो चालू कर देते हैं उनके एक्सपेरिमेंट, जिसको पी के वो ओल्ड लगे. और ऐसा सबसे, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, सब पूरे दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग क्या है, जो ज़्यादा देर तक जीते हैं, ज़्यादा देर तक जीते हैं. ओके, सी अ ट्री, चार्ली सेड. चार्ली था उनका जो कंपेनियन था, उन्होंने बोला अ ट्री. राइट यू आर चार्ली, बट वॉट काइंड ऑफ अ ट्री? नॉट द डॉगलस फीर, नॉट द ओक, नॉट द सिदार, नो माई बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ विलर पीक इन नेवेडा USA. सो इसमें क्या बोला गया कि चार्ली ने बोला कि एक ट्री है जो सबसे ज़्यादा तक जीता है. तो
मिस्टर विली ने बोला कि वो कहीं नॉर्मल ट्री नहीं होगा, वो क्या वो डॉगलस फी ट्री नहीं होगा, ना कि वो ओक के ट्रीज होते हैं, ना कि वो सिदार। तो ये डॉगलस, ओक और सिदार ये सारे ट्रीज़ के नेम हैं। तो वो बोलते हैं कि एक ही ट्री है जिसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन ट्रीज़, जो यूएसए नेवाडा में मिलता है और बहुत पहाड़ी इलाकों में वो ट्रीज़ पाया जाता है। और वो जो ट्रीज़ होती है वो 4000 ईयर्स ओल्ड होते हैं, 4000 साल पुराना होता है। एंड दिस इज़ अ फैक्ट चार्ली। तो ये बोलते कि ये सच में रियल बात है। तो उसने बोला कि तुम कोई भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछो ये बात, पर ये सब चीज़ें सही है। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। फिर वो अपने ढूंढने काम पे लग गए। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। तो फिर क्या हुआ, फिर वो अपने काम पे लग गया एंड उसने एलिवेटर में जंप किया जहाँ पे बहुत सारे जगह के बहुत पुराने पुराने लिविंग थिंग्स के स्पेशल आइटम्स कलेक्ट करके वहाँ पे रखे हुए। तो लेट्स सी कि वो स्पेशल आइटम्स क्या थे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट्स के टाइप से ये दिए हुए हैं। तो ये पॉइंट वाइज यही सब थे वहाँ पे। A pint of sap from a 4000 year old bristle cone pine. Second one is the toy nail clippings from a 168 year old Russian farmer called Petrovich Grigorovich. Second point ye hai. Third one is an egg laid by a 200 year old tortoise belonging to the king of Tonga. Fourth one is the tail of a 51-year-old horse in Arabia. Now, fifth one is the whiskers of a 36-year-old cat called Crumpets. Seven number is an old few which had lived on Crumpets for 36 years. Eight number, the tail of a 207-year-old giant rat from Tibet. Then, eight number, the black teeth of a 97-year-old Grimalkin living in a cave on Mount Popocat Petal. And the last one, the knuckles bones of a 700-year-old Cataloo from Peru. सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ये सारे कलेक्ट किए हुए थे अलग अलग जगहों से, ये सारे ओल्ड लिविंग थिंग्स के बेटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी फर्स्ट पार्ट इज़ कंप्लीटेड, दीज आर द कॉम्प्रिहेंशन चेक, वी विल डू दिस वन लेटर ऑन। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक ऑल्सो। नाउ वी विल सी पार्ट टू। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली Mr. Wonka went on, I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow or something, sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scrapped from between its toes. While it was sleeping, I tracked down the whistle pig, the bobolink, the eschewrock, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging sling, and the venomous crickle who can spit poison right into your eyes from 50 yards away. But there's no time to tell you about them all now. Charlie, let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cup of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. सो स्टूडेंट्स, वॉट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में से चार्ली वुंका ने मिस्टर विली वुंका ने सारी ओल्ड चीज़ें, एंशियन चीज़ें, एनिमल्स के, प्लांट्स के, किसी के हेयर्स, किसी के आईब्रोज और बहुत सारी चीज़ें, किसी के टोज, और कोई सो रहा होता है उनके टोज, ऐसे बहुत सारी ओल्ड चीज़ें ट्रैक की है, जिसमें से विसल पिग, बोलोलिंग, स्टर्लिंग स्लंग और बहुत सारे
enormous pickle कि poison मतलब पता है ना जहर भी उन्होंने ढूंढा है. देन किसी की आइज, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ओल्ड एनिमल्स के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थे उनके उन्होंने फाइंड आउट किया है. तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फाइंड आउट किया और उन्होंने बोला कि ये सारे को हम लोग मिक्स करते हैं. देन दे स्टार्टेड मिक्सिंग ऑल दैट इंग्रेडिएंट्स. दे हैव डन बॉइलिंग, दे हैव डन बबलिंग, दे हैव मिक्सड एंड टेस्ट दैट होल प्रोडक्ट इन द इन्वेंटिंग रूम. ये सब चीज़ें कहाँ पे वो बना रहे थे, इन्वेंटिंग रूम में बना रहे थे. तो उन्होंने एक टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड बनाया. क्या बनाया, एकदम वो सारे इंग्रेडिएंट्स जॉइन करके एक कप का पूरा ब्लैक लिक्विड उन्होंने बनाया और उसमें 4 ड्रॉप्स उसमें मिक्स किए, जिसको पिलाया गया था 20 ईयर्स ओल्ड ओम्पा लोम्पा को. ये जो इंग्रेडिएंट बनाया था उसने ओम्पा लोम्पा जो वॉलंटियर कर रहे थे, उनको जो उनको हेल्प कर रहे थे, उनको ये चीज़ पिलाया गया. तो चार्ली ने देखा कि ये क्या हुआ, क्या होगा अब, क्योंकि उसके मेरिट्स भी हो सकते हैं और डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स. तो इसमें क्या हुआ, इट वॉज फैंटेस्टिक सेड मिस्टर वोंका. द मोमेंट ही स्वेलोड इट ही बिगन रिंकलिंग एंड शिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75 एंड दस माई डियर चार्ली वॉज विटा वोंक इन्वेंटेड. सो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि उसने ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर को वो चीज़ पिलाया, राइट. तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आया, इट वॉज़ अ फैंटेस्टिक रिजल्ट, बिकॉज वैन दे हैव ड्रिंक दैट सीरप यू कैन से, सो देयर दैट मोमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट द वॉलेंटियर्स हैविंग शिवरिंग. जैसे ओल्ड व्यक्ति होते हैं वो कैसे शिवर करते हैं, किसी किसी के दांत गिर जाते हैं, किसी किसी के बाल चले जाते हैं, तो जैसे ओल्ड व्यक्ति होते हैं वैसे उनके फीचर्स सामने आने लगे. एंड ऑब्वियसली उससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति, जो वॉलंटियर को उसने वो सिरप पिलाया था, वो अब 75 ईयर्स के लगने लगे. मतलब वो कितने एज का था, 20 ईयर्स का था, राइट, 20 ईयर ओल्ड ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर, राइट. अब उसको जब उन्होंने पिलाया तो वो अब 75 ईयर्स के दिखने लगे, राइट. दैट इज़ सो फनी, राइट. ऐसा कौन करता है बच्चों, राइट स्टूडेंट्स. तो इससे क्या पता चलता है कि उसका जो मिस्टर विली वोंका का जो इन्वेंशन था वो सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने विटा वोंक इन्वेंट किया, स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस होल चैप्टर हैव बीन रिटन बाय रॉयल्ड दहल. What is it? Roald Dahl. R-O-A-L-D-D-A-H-L. Roald Dahl. Okay, students? So, I hope that you have enjoyed this chapter a lot, because this one is a short story and very interesting story also about the invention. So, these are the question answers below there. You should have to solve this one by your own self. Later on, I can send it and you have to do this one. Okay, students? So that would be great. Now, I'm just wrapping out my video and I hope that you have liked my video. And if you have liked my video, so you just have to do 3 things. That is, like, share and subscribe my channel, students. Okay? Till there, I will see you in the next video. Bye-bye and have a nice day, students.